नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से मुझे ये आपसे एक चीज़ शेयर करनी है, जहाँ पे मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि आगे क्या मार्केट का हाल रहेगा और ये इम्पैक्ट कब तक रहेगा, क्या हमारे इसमें और भी ज़्यादा आगे लॉसेस होंगे, क्या हमारे जो भी इन्वेस्टेड मनी है सारी मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे ऐसे भी सवाल आए हैं मेरे इन्वेस्टर्स से, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं। तो मैं बेसिकली, देखिए, ये ब्लॉग, ये जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये आपको ये बताने के लिए कि आप इस वक्त में इस सिचुएशन को बहुत पेशेंटली हैंडल करें। जी हाँ, देखिए, इसके पहले भी ऐसे सब बहुत सारे सिचुएशंस हुई है, तो ये कुछ नया नहीं है मार्केट के लिए। आई नो जो अभी सिचुएशन डेवलप हुई है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ग्लोबली, बट देन इस सिचुएशन को एक ऐसे एंगल से देखना कि ये डेड एंड है, इज नॉट राइट। इट इज़ नॉट अ डेड एंड, इट इज़ जस्ट अ स्वीट बेंड। अब ये जो प्रॉब्लम है, दिस टू शैल पास, दिस वुड ऑल्सो बी ओके बेटर, और फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए ये सब रिकवर हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सी प्रॉफिट्स। मैं कहीं ना कहीं, मैं जानता हूँ, काफ़ी वेग साउंड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ना ही आपसे कोई स्टैटिस्टिक शेयर कर रहा हूँ, ना मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा दे रहा हूँ जिससे आपका भरोसा वापस से बिल्ड हो, बट देन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझ पे भरोसा रखते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ अपने गोल पे ही फोकस कीजिएगा। देखिए, मेरा मेरा मेन पर्पस क्या है कि मैं आपको आपके गोल तक पहुंचाऊं एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट्स आज आप लोगों ने मेरे थ्रू की है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटीज़ में, ये कहीं ना कहीं गोल को मद्देनज़र रखकर ही की है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने गोल को नहीं भूलें, और मेरे जितने भी आज क्लाइंट्स जिनके एवरेज एज आज 35 to 45 के बीच में, आपकी जो गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, बीट रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, मैरिज, या जो भी आपने लॉन्ग टर्म गोल प्लान किया है, आप उसको ध्यान में रखिए, उसको सोचिए कि आप उसके लिए पैसे सेव कर रहे हो, और ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम टल जाएगा, बाद में सब कुछ रिकवर हो जाएगा। बट आज अगर आप एक ऐसी डिसीजन ले लें जहाँ पे आप एग्जिट करो, बाहर आ जाओ, तो फिर इसमें नुकसान आपका होगा, और फिर बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं आपको अभी इसके बारे में इन्फॉर्म करूँ, आपको एडुकेट करूँ, और आपकी एक ऐसी हैंड होल्डिंग करके रखूँ कि आप बिल्कुल नहीं घबराए। मेरा यही आपको कहना है कि आप बस आपके गोल पे फोकस कीजिए, बिकॉज इफ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम यू विल लूज द गोल, एंड इफ यू फोकस ऑन द गोल यू विल लूज द प्रॉब्लम। सो दैट्स वॉट आई वुड जस्ट लाइक वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, बट मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस दूँ कि दिस टू शैल पास, एवरीथिंग वुड बी ओके, एंड देन द मार्केट्स विल डेफिनेटली बाउंस बैक। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि ये कब होने वाला है ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब सिचुएशन जल्दी हैंडल हो जाए एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो विद दिस मैसेज, प्लीज़ डू लेट मी नो, अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व करूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। दिस इज़ धीरज साइनिंग अप फ्रॉम गोपाल हेगड़े फाइनेंशियल सर्विसेज। थैंक यू।